खड़ी में शेडी छोरी है, उसका बाबू सरपंच है और फुल टोरे में रह करे, जी मतलब वो घर के यहाँ तेन छोड़ रखी है फुल आजाद। जब मैं जाके गांव तो अपने बाबू की बदबू चोर लाऊं और फुल दारू पी हूँ, मैं गोलगप्पा में दारू डाल के पिया करूँ तो कहाँ कहाँ किस तरह दारू पीने लग रही हूँ। जैसे आपने एक ड्रिंकर गर्ल्स की लाइफ जी है। अभी मैंने मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकान है पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आपने अभी अभी एक फिल्म देखी होगी जो 3 तारीख को रिलीज हुई है, धाकड़ छोरिया, उसमें मैडम का किरदार है और मैडम ने उसमें इतनी ड्रिंकिंग की है, बहुत ज्यादा की है। सबसे पहले तो मैं एक बार राम राम करना चाहूंगा और हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में, राम राम जी अगले साल के लिए। अब तक आप 10-12 फिल्में धड़ाधड़ कर दो और सारी सुपर हिट रहा। मैम एक बार मैं चाहूंगा अपने दर्शकों को अपना परिचय दो, कौन हो आप जी? नू तो मैं इस फिल्म में संतोष का किरदार निभा रही हूँ जो कि एक बड़ी नशेड़ी छोरी है, उसका बाबू सरपंच है और फुल टोरे में रहा करे जी, मतलब वो घर के यहाँ तेन छोड़ रखी है फुल आजाद। बेटा तू जो भी करिए माम तेरा साथ है। जब मैं जाके गांव तो अपने बाबू की बदबू चोर लाऊं और फुल दारू पी हूँ, फिर बाद में मेरी सहेलियां मेरा नशा छुड़वा में इनका छुप छुप के कई बार पी हूँ। एक सीन है मूवी में गोलगप्पा में दारू डाल के पिया करूँ तो उसका भी मेरी सहेलियां ने पता चल जाया करे। तो आप सभी एक बार धाकड़ छोरिया देखिए और देख नोटिस करना कहाँ कहाँ किस तरह दारू पीने लग रही हूँ। असली में रियल लाइफ में नाम क्या है जी? मेरा नाम स्नेहा बिश्नोई है और मैं पिछले 4 साल से थिएटर कर रही हूँ, थिएटर कर रही हूँ, साथ ही क्लासिकल डांस, फोक डांस, तो उसके साथ मैंने काफी लाइव शोज वगैरह किए हैं। मनीष जोशी सर जो कि हरियाणा के सबसे अच्छे एक डायरेक्टर हैं, उन्होंने काफी हरियाणा के लिए प्लेस वगैरह भी किए हैं, दास्तान अम्बाला, दास्तान रोहनाथ, खुद के मतलब बहुत रिसर्च के ऊपर उन्होंने प्लेस बनाए, उनके साथ मैं 4 साल से जुड़ी हुई हूँ। बेसिकली हो कहाँ से आप? जी मैं हिसार से। जी मैम जब आपको मालूम हुआ भाई फिल्म में मुझे ड्रिंकिंग करनी है, मुझे पीना है, तो मतलब क्या क्या फील थी? एक्चुअली सर मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम था तो मुझे लगा पता नहीं फैमिली देखेगी तो क्या सोचेगी, थोड़ा सा रहता है। तो उसके बाद जब मैंने देखा कि वो कोक है उसके अंदर पानी वगैरह मिला रखा है तो मैं कहा ओके हाँ, ना तो ज्यादा ज्यादा पी गए होगे फिर तो ज्यादा ज्यादा नहीं, एक्चुअली पानी ज्यादा था जब भी प्यास लगे पी लेते थे। हाँ अच्छा मैम इसमें जैसे आपने एक ड्रिंकर गर्ल्स की लाइफ जी है, तो इस बारे में जब सोचते हो जो लड़कियां ड्रिंक करती हैं तो मतलब कैसी फील आती है, मतलब वो लाइफ अगर आप सोचो हो हेराम तो वो प्लीज जी चाहे कुछ भी है, ठीक है आजकल के लोग जो कर शौक खातर इतनी पीने लगे हैं बट ये हमारी सेहत के लिए अच्छा कौन है, और हमारे माँ बाप हमारे लिए इतना करण लग रहे हैं और हम अपने नशे पत्ता में पड़ के अपना शरीर खराब करें, अपनी हेल्थ खराब करें और माँ बाप ने टेंशन दे में वो हमने इतना हमारे पे विश्वास करके बाहर छोड़े हैं कि भाई हमारा बालक पढ़ने जा रहा है, जो भी काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, पढ़ रहा है। लड़कियां ने पहली बात तो हरियाणा में इतनी जल्दी बाहर भेजा ना जाता, जब भेजा जावे तो माँ बाप जब भेजें जब उन्होंने अपने बालक पे पूरा भरोसा हो। तो मेरा तो यही कहना है कि इतना नशा ठीक नहीं है सेहत के लिए, और जबकि इतना क्या बिल्कुल इतना भी नहीं बिल्कुल करना है। भी ठीक नहीं है, सनेहा जी का कहना है नशा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इतना नहीं। तो मैम फ्यूचर प्लान क्या है? मैं एज एन एक्टर काम करना चाहती हूँ आगे भी, और अभी मेरी एक मार्च में भी आने वाली है वेब सीरीज तो उसमें भी आपको मैं देखने को मिल सकती हूँ। स्टेज ऐप के ऊपर आपके रिश्ते के बारे में जाना जाए तो आप स्टेज ऐप के बारे में क्या बोलना चाहोगे? स्टेज ऐप के साथ ये मेरी पहली वेब सीरीज थी तो मैंने उनके साथ काम किया और मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसी के साथ अभी मैंने एक स्टेज ऐप के साथ ही दूसरी वेब सीरीज भी की थी जिसका शूट जुलाई में हुआ था, तो अभी स्टेज से जुड़े हुए मेरे को 1.5 साल ही हुए हैं। अब तक का अगर आप हर किसी का कोई ना कोई बेस्ट होता है, अगर आपसे सनेहा बिश्नोई से अगर पूछा जाए आपका बेस्ट एक्टर कौन है तो प्लीज यानी कहीं भी जाओ, हरियाणा में, यूपी में, पंजाब में, साउथ में, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, बेस्ट एक्टर कौन है? तो मेरी बेस्ट एक्ट्रेस है मधुबाला जी। काफी पुरानी पकड़ी आपने जी, क्योंकि एक्चुअली मैं काफी टाइम जैसे थिएटर कर रही हूँ, मैंने बताया मैं क्लासिकल डांस और डांस में काफी इंटरेस्ट रखती हूँ, तो मैंने उनके काफी मतलब सीन्स देखे हैं, इमोशनल सीन्स भी देखे हैं उनके, काफी जैसे सॉन्ग्स वगैरह भी रहे हैं उनके, एक्सप्रेशन जो होते हैं बिल्कुल नेचुरल एक्सप्रेशन, उसके अकॉर्डिंग मैं उनको मतलब बहुत ज्यादा बेस्ट एक्टर। अगर इन सब में अगर किसी को आप चूज करो तो बोले थे इस मूवी में नहीं, ऑल ऑफ ओवर अगर आपका कोई बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर अगर देखा जाए तो मैं अमिताभ बच्चन जी को। अच्छा आपके साथ अगर आपको किसी लीड रोल में एक एज ए हीरोइन लिया जावे तो किस एक्टर के साथ दैट देना यस बोल उसको मैं उसके साथ काम करना पसंद करती हूँ? ये ऐसा तो कुछ नहीं है क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर हमारे साथ कोई भी है और वो
एज अ लीड काम कर रहा है तो उसने बहुत मेहनत की है वहां तक पहुंचने में, तो हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए और जो हमें मिल रहा है हमें उनके साथ काम करना चाहिए और इवन खुश होकर उसे सपोर्ट करके अच्छे से काम करना चाहिए। हरियाणवी वेब सीरीज जब भी आ रही है आजकल, हर एक स्टेज पर जब वेब सीरीज आ रही है या फिल्में आ रही है, तो लैंग्वेज में जो है ना गालियों का बड़ा यूज हो रहा है। सनिया जी प्लीज। नेचुरल है जे, गालियां ना होती तो खून खराब हो जाते, इनसे थोड़ा मामला ठंडा हो जाया करे, गालियां जरूरी है। हाँ, अपनो कहना चाहो हो, अब गोली मारने तो बढ़िया गाली दे दे, गाली दे दो, इतने खून खराब है तो बच जाओगे। तो आपके इस पूरी फिल्म में धाकड़ छोरी में मेरे हिसाब से तो आपने भी बड़े धाकड़ छोरी का रोल कराया, क्योंकि आप ही बदले हो पूरी फिल्म में। हाँ जी, आप ही बदले हो ना जी, क्योंकि ड्रिंकर तो आप ही थे, तो कोई डायलॉग खास था पूरी फिल्म में जो याद है? हाँ जी, मानसी मैंने इस रीटा पे गणा छुआ जी तो करे मैं इसने बस। एक बार वो जो फिल्म में कई बार राखी जी भी यूज कर रही है उस वर्ड को, आपने भी किया है निशा ने, भाई रोई? नहीं मैंने नहीं यूज किया। आपने, आपका नहीं था इसमें? जी नहीं जी, निशा राखी का है। हाँ जी जी, तो राखी के साथ काम करना, निशा के साथ काम करना कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैं अपने एक्ट के साथ साथ मैं इस मूवी में कॉस्ट्यूम्स भी कर रही थी इस वेब सीरीज में, तो मैंने जैसे सबकी कॉस्ट्यूम्स भी की हैं, तो सबके साथ जो मेरा रहा है मतलब किसी के साथ ऐसे वाला फील नहीं आया कि हम बिल्कुल एक एक्टर के साथ हैं, वो बिल्कुल ऐसे रहते थे लाइक जैसे हम हॉस्टल में गर्ल्स रहती है ना, नॉर्मली हम ऐसे रहते थे। थोड़ी बहुत में रहे हो कभी? जी हॉस्टल लाइफ जी है जी। स्मोकिंग तो किया? नहीं 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 सर, कभी कोई ड्रिंक स्मोक कुछ नहीं? नहीं नहीं सर, कुछ भी कोई नशा कभी नहीं जी। तो मैम थैंक यू, ज्यादा समय नहीं लूंगा, खाना ठंडा हो रहा है आपका। और सनिया जी, आपने जो झट से यस बोला एक छोटे से प्यारे से इंटरव्यू के लिए, थैंक यू सो मच, आप हैप्पी रहे, पूरा साल आपका जैसे मैंने पहले बोला वैसा ही जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपका भी साल बहुत अच्छा जाए। मैं चाहूंगा अभिमन्यु मूवीज, हमारे इस चैनल का नाम है अभिमन्यु मूवीज, तो आप ऐसे ही बोलो अभिमन्यु मूवीज देखने वाले सारे दर्शकों ने सनिया बिश्नोई की राम राम। अभिमन्यु मूवीज जी, अभिमन्यु मूवीज वाले जितने भी दर्शक हैं यहाँ पे, जो भी हमें देख रहे हैं, उन सभी को स्नेहा बिश्नोई की तरफ से राम राम और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, और इस वीडियो को शेयर कर दो भाई, हमारे साथ जुड़ गई थी हरियाणा प्रदेश की, और मैं तो कहूंगा बहन जी बहुत ऊपर तक जाए, बड़ा नाम हुआ स्नेहा बिश्नोई, और वीडियो अपने किसी लग गई, एक ड्रिंकर की जो भूमिका निभाई, देखिये आम जो भूमिका निभानी हो ना वो आसान बात है, लेकिन एक नशे वाले एक्टर बहुत कम मिला है, है ना, वो कुछ एक्टर होते हैं जो नशे नशा दिखा सके मतलब, हाँ वो फील लेके आ सके, वो बहुत कम है, और वो आप लेके आए अपने अपने करेक्टर को जिया जी। थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा, और आप तरक्की करो, थैंक यू सर, थैंक यू भाई, शेयर कर दो वीडियो ना, राम राम सारे भाइयों ने, जय हिंद जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।